नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए, ठीक है। उसने कहा है कि एक आयताकार मैदान है, ये हो गया हमारा मैदान, उसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई अनुपात के रूप में दी गई है। लंबाई अनुपाते चौड़ाई बराबर क्या है, 3:2 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी लंबाई है वह है 3x है, जो चौड़ाई है वह है 2x है, ठीक है। हमने यहां तक इसको लगा लिया। आगे उसने कहा यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अब एक व्यक्ति क्या करता है कि इस मैदान की सीमा पर यानी चारों तरफ की सीमा पर साइकिल चलाता है और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको टाइम लग रहा है 8 मिनट, यही उसने हमसे कहा है, ठीक है। जो जो दिया हमने पहले लिख लिया, लेकिन हमसे आंतर प्रश्न वाला चाह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर से हम मीटर में बदलते हैं तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा और समय हमारा मिनट में है, यहाँ घंटे में है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ये मीटर प्रति मिनट आ गया। आप इसको काट भी सकते हैं, जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 × 12 यह आ गया 200 मीटर प्रति मिनट, ये चाल आ गई है, एक टाइम आ गया है। अब जो वह एक चक्कर में दूरी पूरी करेगा वह क्या होगा, आयत का परिमाप, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, बाहर बाहर की चारों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ दें तो आयत का परिमाप निकलता है। और साइकिल वह कहां चला रहा है, मैदान की सीमा पर चला रहा है, ठीक है। तो ये साइकिल जहां चलेगी वह आयत का परिमाप होगा, यानी आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, एक चक्कर की दूरी, ठीक है। जो भी आयत का परिमाप होगा वह एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगा। अब आयत का परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब एक चक्कर की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल जो हमने एस मानी है और गुणा समय, समय जो हमने टी माना है, ठीक है। यहां हम वैल्यू रख देंगे, लंबाई की वैल्यू कितनी है 3x, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 2x, चाल कितनी है 200 और समय कितना है, समय है 8 मिनट, यहां जोड़ देंगे 3 × 2 = 5 और 5 × 2 = 10x बराबर 8 × 2 = 1600। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 160 मीटर, ठीक है। एक x की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई है। अब x की वैल्यू जब हमें मिल गई है तो इससे हम लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी थी 3x और x की वैल्यू है 16 × 16 = 48, 480 मीटर लंबाई है, चौड़ाई थी 2x, 16 × 2 = 32, 320 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम आसानी से लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं, दोनों हमने निकाल ली। अब पूछा था मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए, तो हम मैदान का क्षेत्रफल यानी आयतकार क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की वैल्यू है 480 और इसकी वैल्यू है 320, दोनों का गुणा करेंगे तो
तो जीरो जीरो तो आ जाएंगे, 48 दूनी कितना होता है 96, हासिल लगी 9, 48 थी 144, 144 में 9 जोड़ देंगे 153, तो कितना आ गया 153,600 वर्ग मीटर। ठीक है, ए उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है जिस पर एक साइकिल सवार चक्कर लगा रहा है और हमने इसका आंसर निकाल दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यह सवाल इंपोर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है क्योंकि ऐसे ही सवाल आते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे और थोड़ा दिमाग हमें चलाना पड़े। जैसे उसने हमें लंबाई चौड़ाई स्पष्ट अगर दी होती तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाता, लेकिन उसने लंबाई और चौड़ाई को दिया अनुपात के रूप में, तो हमने अनुपात के रूप में उसको एक्स लगा के मान लिया। फिर दूसरा यहाँ पर एक क्लू दिया उसने हमको कि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो वह जो चक्कर पूरा करेगा वह होगी आयताकार मैदान की परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर हमने क्या निकाल दिया, एक चक्कर की दूरी, दोनों की सबकी वैल्यू रख दी तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 160 मीटर। हमने यहाँ लंबाई निकाल दी और चौड़ाई निकाल दी, अब लंबाई चौड़ाई मिल गई है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वो निकाल दिया, बस आपको इसको एक दो बार लगा लेना है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।